देख रहे आईटी हलचल और मैं हूँ आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालें आज की हेडलाइंस की ओर। पूर्व मंत्री ने ली पत्रकार वार्ता, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बयान पर किया पलटवार। जंगली सुअर के हमले से एक युवक घायल अस्पताल में भर्ती। पूर्व पार्षद ने लालबाग थाने में दिया धरना, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। और लाइसेंस क्लब ने पावरलूम मजदूरों का किया स्वागत सम्मान। बुरहानपुर संजय नगर भाजपा कार्यालय पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर पूर्व मंत्री ने पलटवार किया। शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे संजय नगर भाजपा कार्यालय पर पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के द्वारा महिलाओं पर दिए गए बयान को लेकर पलटवार करते हुए कहा कि यहां महिलाओं पर अभद्र बयानबाजी करते हैं, आपत्तिजनक टिप्पणियों करते हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्यवाही होना चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने जो इस गंदी गिरौनी मानसिकता और नीच शब्दों का प्रयोग किया है, उसकी मैं और मध्य प्रदेश और देश की सारी महिलाएं उससे आहत हैं। और इस अपमान का जवाब आने वाले 7 मई और 13 मई के चुनाव में मातृशक्ति और सभ्य समाज स्वयं देगा। एक वरिष्ठ नेता, प्रदेश अध्यक्ष, एक दलित महिला के बारे में, नेत्री के बारे में, वरिष्ठ नेत्री के बारे में, मध्य प्रदेश की पूर्व महिला बाल विकास मंत्री के बारे में बात करते समय रस ढूंढेंगे, रस को लेकर बात करेंगे? घिनौना है, गंदा है। पर पूरी तरीके से प्रशासन चौकस है। पिछले दिनों 247 बच्चे भर्ती हुए, जिनमें से 117 डायरिया से पीड़ित थे। पानी की जांच पीएचई विभाग द्वारा की जा रही है। मात्र एक सैंपल में ई कोलाई बैक्टीरिया मिला है और उस पर क्लोरिनेशन कर पानी को साफ करने का, पानी को थोड़ा सुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है, जन जागरण किया जा रहा है। और मेरे आपके माध्यम से भी सभी से आग्रह निवेदन है कि खान पान की में भी थोड़ी हम ध्यान दें और पानी उबाल कर विशेषकर छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को पिलाएं। बुरहानपुर के डोंगरगांव में एक युवक पर जंगली सुअरों ने हमला कर उसे घायल कर दिया। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। शुक्रवार दोपहर 12 बजे खेत में मजदूरी कर रहे एक युवक पर जंगली सुअरों ने हमला कर उसे घायल कर दिया। मजदूर लोगों ने लहूलुहान हालत में घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। डोंगरगांव निवासी घायल विकास पिता सुभाष रोज की तरह आज भी खेत में काम करने गया था, तब यह हादसा हुआ। बुरहानपुर के लालबाग थाने पर जमीन विवाद को लेकर पूर्व पार्षद ने धरना दिया। शुक्रवार दोपहर 1 बजे लालबाग थाने पर जमीन विवाद को लेकर पूर्व पार्षद शिव कुमार पासी ने धरना दे दिया। वहां अपने परिवार के साथ कार्यवाही नहीं होने से नाराज होकर धरने पर बैठ गए। मौके पर पहुंचे अफसरों ने उनको समझाइश दी, जिसके बाद मामला शांत हुआ। अब यहाँ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बुरहानपुर लाइनेंस क्लब के पावरलूम मजदूरों का स्वागत सम्मान कर उनकी समस्या सुनी। शुक्रवार दोपहर 1 बजे आजाद नगर में लाइनेंस क्लब ने पावरलूम मजदूरों का स्वागत सम्मान कर पावरलूम की समस्या शासन स्तर पर उठाने की बात कही। लाइनेंस क्लब की अध्यक्ष प्रमिला साखले ने जानकारी देते हुए बताया कि पावरलूम हमारे शहर का मुख्य व्यवसाय है, जो मजदूरों को मजदूरी कम मिल रही है, जिसके लिए उन्होंने शासन स्तर पर मांग उठाने की बात कही। इस दौरान बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद थे। बुरहानपुर की शिकारपुरा में गड्ढे में मोटरसाइकिल गिरने से एक युवक घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। शुक्रवार दोपहर 1 बजे बाजार से सामान खरीदी कर अपने घर जा रहा था। एक युवक मोटरसाइकिल सहित गड्ढे में गिरने से युवक दबने पर घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकारपुरा निवासी मयूर पिता मनोज बाजार में सामान खरीदी करने गया था। सामान खरीदी कर अपने घर लौट रहा था, तब यहां हादसा हुआ। घायल के सिर हाथ पैर में चोट आई है। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। बुरहानपुर के सिंधी बस्ती क्षेत्र में एक मकान में लगी आग, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। शुक्रवार सुबह 7 बजे सिंधी बस्ती क्षेत्र में एक मकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौजूद लोगों ने अपने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया। मौके पर पहुंची नगर निगम की फायर फाइटर ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।